नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज कोरोना काल में जब जीवन पूरी तरह से स्थिर बना हुआ है, हमारी दिनचर्या भी काफी अस्त व्यस्त सी हो चली है और हम सब अपने अपने घरों में रहने को विवश हैं। ऐसे में हमारे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी की प्रेरणा, प्रमुख सचिव श्री जितेंद्र कुमार जी, निदेशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री शिशिर जी के मार्गदर्शन में हमारी अकादमी एक नवीन पहल के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित है। रंग समागम 2020। इस रंग समागम के माध्यम से वेबिनार के जरिए हम जुड़ते हैं कला जगत की उन विभूतियों से जिन्होंने अपने कला कर्म से अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, एक मुकाम हासिल किया है और एक मानक स्थापित किया है। इसी कड़ी में आज के जो हमारे मेहमान हैं, वो बहुत ही खास हैं और मैं खुद भी उनका एक बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान श्री विक्रम गोखले जी का। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार प्रणाम। सर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, कैसा बीत रहा है जीवन सर? अभी क्या हो रहा है? ऐसा है कि सौरभ, ये तो सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया को ये कोरोना वायरस सता रहा है। इसमें जो जो चीजों के बारे में सोच समझ के हमें करना है वो तो सभी लोग करेंगे ही, जो सुशिक्षित हैं, जो जानते हैं कि जो करना चाहिए वो करना ही चाहिए, कोई चारा नहीं है। घर में बैठ के तुम क्या कर सकते हो? तो घर में बैठ के तुम जो अनुभव तुमने पिछले कई सालों में नहीं किया है वो अनुभव तुम कर रहे हो। जैसे कि मैं मेरा एक साल देता हूं, आई एम एबल टू गिव मैक्सिमम टाइम टू माई वाइफ। मी एंड माई वाइफ, वी बोथ आर ओल्ड नाउ। कोई नौकर चाकर घर में नहीं है, मतलब हैं या थे लेकिन नहीं आ रहे हैं, उनका भी कोई इलाज नहीं है। तो घर में कौन सी चीज कहाँ रखी है, रखी जाती है, इसका पहली बार जिंदगी में पता चला। फिर क्रिएटिविटी के सिलसिले में मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग स्क्रिप्ट। ये अभी जो आप देख रहे हैं पीछे, ये इज अ पार्ट ऑफ माई ऑफिस इन पुणे। अब ऐसा है कि बिना कुछ काम किए हाथ पे हाथ धरे बैठना, ये तो नामुमकिन है, आदमी पागल हो जाएगा। हर एक को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो मी बीइंग द प्रोफेसर ऑफ सिनेमा एंड थिएटर टेलीविजन इन पुणे यूनिवर्सिटी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा मैं अपने विद्यार्थियों के साथ उनको कम से कम थियोरी तो सिखा सकता हूं। वो मैं करने की कोशिश मेरी जारी है। चांसलर साहब को मैंने दरख्वास्त की है कि कम से कम ये तो करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी सारे डिपार्टमेंट बंद है, कोई आता नहीं है जाता नहीं। तो उन्होंने कहा है कि मैं आपको बताऊंगा, अब जब उनका फोन आएगा तब शुरू करेंगे। मीन टाइम मैं दफ्तर में बैठ के मेरा अपना जो काम है, जो स्क्रिप्टें जो है, मतलब अभी अभी मैंने लॉकडाउन नाम की एक स्क्रिप्ट लिखी है कि जिसमें सारे 7 सीन्स डेढ़ डेढ़ मिनट के, ये सारे पति पत्नी में जो मजाक होता है और हमेशा पति कुछ न कुछ ऐसा बोलता है कि अदरवाइज अ डम वुमन शी विल नॉट बी एबल टू बैक आंसर। हाँ, यहां लेकिन हर सीन के आखिरी में वो सही जवाब देती है अपने हस्बैंड को, तो पति स्पीचलेस हो जाता है, उसको पता चलता है। और एट द
द एंड ऑफ द सीन, एंड ऑफ द डे, लास्ट सीन जो है रात के 10 बजे बिस्तर पे दोनों पड़े हैं प्रतीक्षा में नींद की, और ये कहता है कि ही इज वॉचिंग हर फेस एंड सेज आई लव यू, शी सेज यस आई नो, ही सेज नो मेल आई लव यू मोर, शी सेज आई लव यू मोर देन व्हाट यू लव मी, शी सेज यस, ही सेज यस आई अग्री, एंड देन शी स्लीप्स एंड दिस मैन फॉर द फर्स्ट टाइम रियलाइजेस दैट कोरोना वायरस की वजह से जो मैं घर में बैठा हूं 3-4 महीने, तो हर चीज को हमने आधा आधा बांट के लिया है, या समझो जो सामने काम आता है वो मैं करता रहता हूं, वो मुझे करने नहीं देती है, लेकिन ये औरतें कितना काम करती है, माय गॉड, हमको मर्दों को पता ही नहीं चलता है कभी कि घर में औरतें कितना काम करती है, और हम हमेशा मर्दानगी इसी में समझते हैं के औरतों पे बस क्रैक जोक्स पीजेस करते रहना। और मैंने भी दूसरा क्या किया पिछले 5-6 साल में, अब 11-12 साल हो गए शादी को, पहले 5-6, 7-8 साल होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जो लव वगैरह होता है वो कम होता जाता है, अफेक्शन तो अभी शुरू हो गया है, तो ये अफेक्शन जो है, केयरिंग जो है, वो उसके दिलो दिमाग में इनर वॉइस है, एंड ही एट द एंड ऑफ द डे ही सेज इनर वॉइस के आई एम थैंकफुल टू कोरोना एंड थैंकफुल टू लॉकडाउन, कि लॉकडाउन की वजह से हमें अहमियत तो पता चला, अहमियत का औरतों का, ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी में औरतों को कितना ऐसे ही, मतलब ऑलवेज प्लेइंग सेकंड फील्ड ऐसा हम देखते हैं, वो नहीं होना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि कोरोना रहे जाए, बंद हो जाए, लॉकडाउन उठे ना उठे, हर महीने को एक हफ्ता लॉकडाउन जरूर रखिएगा तो मर्दों को पता चलेगा कि स्त्री की अहमियत क्या है। दिस इज द एंड, बैठे बैठे क्रिएटिविटी कुछ करते रहना चाहिए कि मैं व्हाई आई एम सिटिंग हियर डूइंग नथिंग, नो नो आई एम डूइंग समथिंग, I'm thinking. I realize कि पूरा 4 बेडरूम का हॉल मैं झाड़ता हूं रोज, और वो क्या बोलते हैं उसको, मॉपिंग वगैरह वो करती है, वो खाना बनाती है, मैं बर्तन घासता हूं, वो बर्तन लगाती है, क्योंकि किधर कौन सा बर्तन रखना है उसको मालूम है तो इस तरह से, अच्छा वो उसको थोड़ी सी उसकी मदद करता है कि भाई यू रेस्ट इस तरह का काम करते रहता हूँ, फिर कुछ फिल्म्स की स्क्रिप्टें लिख रहा हूँ, और मे बी आई विल बी डायरेक्टिंग, परहैप्स एक्टिंग इफ आई डिडंट गेट गुड एक्टर, तो ना इलाज से मुझे उसमें काम भी करना पड़ेगा। मैं इस तरह से मेरा कोरोना लॉकडाउन का जो वक्त है वो मैं बिता रहा हूँ। आई वुड लव टू शेयर ऑल दीज थिंग्स विद द व्यूअर्स। बिल्कुल बिल्कुल सर, उनको ये सारी चीजें पता चलेंगी इस लॉकडाउन में आपने कितना कुछ काम किया है। बहुत अच्छा वक्त बिता रहे। इसमें हमारी थोड़ी सी लड़ाई भी होती है कि अरे अभी ये चीज यहाँ रखी थी, अभी यहाँ क्यों नहीं, जैसा मैं रखती हूँ उधर क्यों नहीं, ढूंढने में मुझे परेशानी नहीं होनी चाहिए। 5-4 दिन अगर लाइट नहीं भी आई, सूरज नहीं भी होगा, तो मैं जाके बराबर हाथों से मुझे मालूम है कौन सी चीज कहाँ रखी है, विच इज द फैक्ट। तो ये सारा एहसास जो है आदमियों को होना चाहिए, पुरुषों को, वो मैंने लिखा है। सर ये 1963 का जो टाइम था, जिस समय आपको अपने करियर को लेकर डिलेमा भी था, थोड़ी सी कंफ्यूजन भी थी, और आप इंडियन एयर फोर्स में जाना चाहते थे, क्योंकि बचपन में आपने बहुत पॉवर्टी भी देखी है, तो क्या, और क्योंकि सर आपके खानदान में से सभी लोग बहुत ही महान कलाकार रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका सर पहले इंक्लिनेशन था या नहीं था टूवर्ड्स एक्टिंग, क्या, या ये इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का ये बात कैसे आई जहन में? सर बताता हूं,
किसी की नौकरी करना ये शायद मेरे जहन में, मतलब मेरे खून में नहीं है। अच्छा है बुरा है ये सोच, ये बुरी अच्छी सोच ये मुझे मालूम नहीं। पर्सनली आई नेवर लाइक टू आई नेवर लाइक्ड इन माय लाइफ दैट आई एम डूइंग समबडी सर्विस सेइंग यस सर नो सर। लेकिन पैसों की तो जरूरत थी। बहुत भयानक दिन हमने देखी है, भयानक पॉवर्टी से हम गुजरे हैं पूरी फैमिली। तो बीइंग द एल्डेस्ट सन इन द फैमिली आई स्टार्टेड थिंकिंग द नाउ आई एम 18-19 इयर्स ओल्ड, आई शुड नॉट टेक मनी फ्रॉम माय फादर, क्योंकि वो ही उनको भी नहीं मिल रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं अभी जाकर अपने जो रूल्स मैंने बनाए थे कि भाई मैं नौकरी नहीं करूंगा, तो मैंने एक्सेप्ट की एक नौकरी। सोमवार को ज्वाइन हुआ, शनिवार को मुआफी मांगी कंपनी की। वालकन लवल नाम की कंपनी थी पूना में, बॉम्बे पूना 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 बॉम्बे ओल्ड हाईवे। मैंने बोला कि सर मुझे मुआफ कीजिए, ये नौकरी में नहीं कर सकता, किसी को जिसको जरूरत है उसको ये चेयर दीजिए, मैं चलता हूँ। और घर आया तो हमारे घर में पिताजी के एक बचपन के दोस्त थे, वो अभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर सब कुछ थे। उन वो आए थे तो चाय पीते पीते उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा बेटा काम करेगा मेरे दोस्त। तो वो बोला, मेरा बाप बोला कि तुम उसको ही पूछो। तो मैंने कहा क्या कह रहे हैं काका? तो बोले कि विल यू डू सर्विस? ही सेड नहीं, अभी मैं छोड़ के आया हूँ सर्विस, आप बोलिए। बोले नहीं, मेरे यहाँ नौकरी पे रहो रहो, मैं तुमको 3,000 रुपया दे दूंगा महीने का। मैंने कहा नहीं साहब, ये काम नहीं करूंगा। तो बोले नहीं, आपको मैं 30 रुपीज नाइट दे दूंगा, फिर नौकरी नहीं है समझो। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने छलांग लगाई। उससे पहले आई स्पेंट माय कॉलेज टाइम, कॉलेज लाइफ विथ एनसीसी इन्फंट्री, वेरी हार्ड ट्रेनिंग, वेरी हार्ड, देन एयरफोर्स एयर एनसीसी, एंड देन आई टुक इट सीरियसली दैट आई वांटेड टू अपीयर फॉर एनडीए एंड ऑल दैट। तो मैंने पीएसबी प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, वहां मैंने तो पास किया। एसएसबी बेंगलोर में थी, जा नहीं सका मैं, पैसे नहीं थे, किसी से मांगना भी बहुत मुश्किल था। कोई गरीब को कोई देता नहीं है, इक्विवेलेंट हो तो भाई चलो ले लो, खातरी होती है कि वापस पैसे मिलेंगे। हम गरीबों को कौन पैसा देगा? नहीं दिया किसी ने, नहीं जा सका, तो मेरा यह सपना टूट गया। उसके बाद मैंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में छलांग मारी। मुझे ABCD भी मालूम नहीं था एक्टिंग का, लेकिन मैंने शुरुआत तो की और यहाँ तक पहुंचा हूँ। आप सभी लोगों के जो शुभकामनाएं उन पे मैं आज तक यहाँ आया हूँ। और पीछे जो मेरी लाइब्रेरी है, इधर है, घर पे है, मुंबई के घर पे है, वहां की किताबें, इस तरह से मैं आगे बढ़ता रहा। सर, चूंकि आपने आपने इस बात का जिक्र किया कि जिस समय आपके पिताजी ने पिताजी के मित्र ने आपको ये जो ऑफर दिया था नाटकों में काम करने का, उस दौरान भी आपने उनके साथ जुड़कर करीब 5 साल तक काम किया और करेक्ट, आपने बहुत नाटक किए। फिर वहां से भी एक रास्ता की वजह से, यानी मोनोटनी की वजह से, आपने नाटक का भी रास्ता छोड़ दिया। 2016 में 10 जनवरी को मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पिछले 2 साल से मेरे मेरी आवाज में कुछ खर्राश आ रही है, बार बार गला बैठ रहा है। जिस आवाज पे दुनिया प्यार करती थी विक्रम गोखले के, वो आवाज नहीं रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये ज्यादती है मेरे दर्शकों पे, कि जो टिकट खरीदते हैं अपना वक्त बर्बाद करते हैं, तो वो क्या सुने? बैठे बैठा हुआ गला और विक्रम गोखले काम कर रहे हैं, ये ज्यादती है। इसलिए मैंने रंगभूमि को, इट्स अ वेरी पेनफुल डिसीजन, लेकिन मुझे वो लेना पड़ा। फॉर्चुनेटली मुझे कोई प्रॉब्लम और नहीं, क्योंकि मैंने सारी जांच करवाई कि भाई क्या हुआ है गले को,
बार बार ये आवाज क्यों बैठी जाती है, बट आई एम सेफ एंड साउंड, ओनली थिंग आई गेव अप थिएटर विच वॉज वेरी पेनफुल फॉर मी एंड सम कलीग्स जो जानते हैं मुझे। तो उसके बाद तो मतलब जहां तक आमदनी का सवाल है, थिएटर में से जो पैसा आता है वो कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं होता है। मैं सारी जगत को, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ये बताना चाहूंगा कि थिएटर में जो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गुजराती हो, मराठी हो, वहां जो पैसा मिलता है उससे तुम्हारी जिंदगी बन नहीं सकती, तुम बना नहीं सकते, बना नहीं पाओगे। बट थिएटर इज द ओनली प्लेस ऑफ 24 फीट जहां तुम्हारे जहन में अगर एक स्टूडेंट है कला का, उसको जिंदा रखने के लिए थिएटर करना चाहिए। मुझे हर शो के लिए नटराज जो है वो एक मौका देता है कि तुम पिछले शो में तुमने ये गलतियां की थी, वो अभी मत करो, नेक्स्ट शो में। इन टेलीविजन, इन फिल्म्स, देर आर नो सच चांसेस। वंस द डायरेक्टर सेज ओके फॉर मी, एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए हर शख्स ने जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या एक्टिंग एरिया में है, काम कर रहा है, प्रैक्टिसिंग एक्टिंग, उसने हमेशा ये सोचना है कि पूरे साल में मैं कम से कम एक नाटक तो जरूर करूंगा। पैसा कमाने के लिए नाटक करना ये मूर्खता है। पैसा कमाने के लिए तुम सीरियल में काम करो, वहां तुम्हें समाधान नहीं है। चैनल जो बताएगी वो लेखक लिखेगा, चैनल जो बताएगी उस तरह से डायरेक्टर डायरेक्शन करेगा, तो वहां तो फिर पैसा कमाना है। 8 घंटे काम किया, 12 घंटे काम किया, पैसा ले लो या चेक ले लो या जो भी हिसाब किताब तुम्हारा पक्का हुआ है वो बाय द एंड ऑफ द मंथ ले लो, वहां से निकलो। नो सेटिस्फैक्शन इन फिल्म्स। तुम्हें मौका मिलता है, अगर ये कहा मैंने कि अरे सौरभ यू आर डायरेक्टिंग मी, समझो सौरभ मुझे और एक शॉट देना है, कैन यू अफोर्ड, ही सेज यस, डू इट अगेन। तो शॉट देते वक्त मैंने जो किया है उसमें कोई खामियां हैं तो वो मुझे सुधारने का मौका मिलता है। इन टेलीविजन ऑफ इंडिया there are no such chances because time is the limit. उस इतने वक्त में इतने एपिसोड हमको गिराने, पाड़ने, ताड़ने, करने, शूट करने, सत्यानाश करने, जो भी करना है वो उसमें करना है। Don't waste time. Time is money in industry of television. इसलिए वहां सिर्फ पैसा कमाओ, सिनेमा में तुम दरख्वास्त करो, अगर तुम्हारी और सौरभ की अच्छी तरह से ट्यूनिंग है तो ही विल लेट यू नो कि भाई ही कैन अफोर्ड टू गिव यू द सेकंड चांस टू डू बेटर। अगर नहीं जमता है तो बोलेंगे नहीं दिस इज ओके फॉर मी, चलो आगे चलते हैं। लिखना शुरू, ऑनेस्टली सौरभ मुझे ऐसा लगता है, नॉट ओनली फॉर एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और राइटर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, for everyone in the world they must have something to fall back on. agar is industry mein abhi karne layak kuch nahi mil raha hai, mauke nahi mil rahe hain, paisa nahi mil raha hai, you must have something to fall back on jis pe tum nirbhar ho sakte ho. jaise ki main abhi theater nahi kar raha hu to main serial karu, serial nahi kar raha hu to main film kar raha hu, film mein abhi विक्रम गोखले को मेन रोल में लेके कोई सिनेमा करेगा नहीं करेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि तुम टेलीविजन और सिनेमा इसके द्वारा तुम पूरे दुनिया में कहीं भी जा सकते हो। ओके, देयर इज अ मनी, लॉट ऑफ मनी इन सीरियल्स, लॉट ऑफ मनी इन फिल्म्स। फिर भी अगर एक वक्त ऐसा आता है कि विक्रम गोखले के दांत गिर रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, पतला दुबला पतला हो रहा है,
75 की उम्र अभी पार करेगा, इसको अभी क्यों काम दे दें? अगर वो बंद हुआ तो आई कैन टीच, आई कैन राइट, आई कैन डायरेक्ट, आई कैन सिट देयर एज द कंसल्टिंग एडिटर, आई कैन आस्क माय एडिटर टू ऑपरेट द बटन्स एंड आई कैन टेल हिम कि नहीं, सौरभ के ये लाइन होने के बाद विक्रम गोखले का सिर्फ क्लोजअप इतने ही सेकंड्स का चाहिए मुझे, बता सकते हो? वन हु नोज करेक्ट सेंस, वन हु हैज करेक्ट सेंस ऑफ एडिटिंग, ही कैन बिकम अ गुड डायरेक्टर. सो आई एम डायरेक्टिंग बट प्रैक्टिकली टेक्निकली आई कैन नॉट एडिट, बट आई कैन आस्क माय एडिटर टू डू अकॉर्डिंगली. इतनी सारी चीजें हैं, सिखा सकता हूँ, क्लासेस ले सकता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस ले सकता हूँ. यू मस्ट हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन. ये सारे जो मेरे कला जगत के सारे जो लोग देख रहे होंगे उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि भैया ये ऐसा पानी है कि यू पकड़ा तो थोड़ी देर के लिए रुकता है, जरा ऐसा किया तो निकल जाता है पानी का बूंद, इस पे भरोसा मत रखो. जो कांस्टेंट रहेगा वो काम करो, और जिसकी जरूरत है लोगों को वो भी काम सीख लो. तो ये काम मैं कर रहा हूं क्योंकि सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे जिंदा रहना ये दुनिया के सारे कलाकारों को बहुत मुश्किल है. सारे कला ओनली ऑन एक्टिंग और डायरेक्शन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. एंड ड्यू टू दिस सिचुएशन दुनिया भर के जितने बड़े बड़े लोग भी हैं ना, सारे अंदर से इनसिक्योर फील करते हैं. दे आर ऑलवेज इनसिक्योर कि आज काम मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा तो घर में बैठना पड़ेगा. तो ये हो गया ना, कोविड महामारी ने समझाया हमको कि घर में बैठो लेकिन काम करो कुछ. तो वो काम ऐसा होना है कि जिसकी जरूरत है. कभी ना कभी शुरू होगी इंडस्ट्री, भाई मेरे पास इतनी सारी स्क्रिप्ट है, वो काम करना चाहिए. यू मस्ट हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन, दैट्स ऑल. तो सर आपने एक लंबा अरसा थिएटर को भी दिया है, साथ में पैरेलली आपने फिल्म्स भी की हैं, सीरियल्स पे भी काम किया और तमाम तरीके का आपने काम किया है. एक बात जो आपने अभी जो बोला कि थिएटर के भरोसे घर नहीं चलाया जा सकता, नहीं चलाया जा सकता. मैं 2 साल पहले का सर एक वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. मुझे मराठी रंगमंच देखने का अवसर मिला मुंबई में, संगीत देव बालवी करके एक प्ले था, फिर 2 एक्ट्रेस काम कर रहे हैं और सर वो पिछले कई सालों से उसके कंटिन्यूस शोज चल रहे हैं और वो शिफ्ट करना ही नहीं चाहते इन द टेक्निकल मीडियम, उसी में वो खुश है, उसी में उनको अर्निंग हो रही है. तो सर मराठी थिएटर शायद इतना समृद्ध है भी कि वो कलाकार फिल्मों में या सीरियल्स में नहीं आना चाहते, वो जो कर रहे हैं उसमें वो संतुष्ट है, खुश है पैसों से भी और अपने काम से भी. ये आपको सिर्फ ऐसा भी लगता है? सिर्फ मराठी थिएटर की मैं बात कर रहा हूँ, मराठी थिएटर या गुजराती थिएटर. गुजराती थिएटर के सिलसिले में मैं इतना जरूर कहूंगा क्योंकि मुझे उसका अनुभव है, गुजराती फिल्मों का भी अनुभव है और गुजराती थिएटर का भी अनुभव है. मैंने गुजराती थिएटर में काम तो नहीं किया है लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि गुजराती थिएटर देखने वाले जो थिएटर गोअर्स है, गुजराती बंधु, दे डोंट टेक थिएटर वेरी सीरियसली. वो कुछ हमारे घर में कुछ शादी वादी है तो उसके सिलसिले में हमको कुछ सेलिब्रेट करना है तो भाई चलो एक नाटक देखते हैं, सारे लोगों को नाटक देखने के लिए जाते हैं, वहां नाटक चल रहा है, ये आपस में बटाटा वाड़ा खा रहा है, ढोकला खा रहा है, ये मैंने देखा है अपनी आंखों से. गुजराती थिएटर डायरेक्टर जो बहुत सिंसियर है वो ऐसे लोगों के साथ सामने काम करते हैं कि जो बड़े सीरियसली गुजराती नाटक देखा करते हैं, लेकिन वो नाटक ही अलग होते हैं. गुजराती फिल्में भी इस तरह की होती हैं कि जहां सीरियस ऑडियंस आता है, कम आते हैं लेकिन, और थोड़े शो चलते हैं सिनेमा के या थिएटर के, लेकिन कुछ एक उसका एक परिमाण है लेकिन वो कम है. इन जनरल गुजराती थिएटर, गुजराती फिल्में, ये अपनी जो पुरानी जो चीजें हैं उसमें से बाहर अभी तक नहीं आई है. इट वॉज हैपनिंग विद इवन मराठी फिल्म्स
कि एक जमाना रहा कि गांव में वो घुंगरू और वो ढोलकी वाला और वो पाटिल और वो विलन और कुल्हाड़ी और बंदूक और एक हीरो हीरोइन और एक विलन, इसमें वो कहानियां चलती थी। उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि आंगन में जो तुलसी वृंदावन होता है उसके सामने आरती करने वाली घर की बहू हो या कोई हो, वो एक आ गया। उसकी छलना कितनी होती है, उसकी सास उसको कितना छलना उसकी करती है, वगैरह वगैरह। और एट द एंड ऑफ द डे सारा अच्छा मिलाप होता है, द एंड इज स्वीट। उसके बाद कॉमेडी आ गई मराठी में। वो कॉमेडी जो है ना, तो 20-21 साल कॉमेडी चलती रही, बट इट वॉज वेरी पुअर कॉमेडी। हाँ, इट वॉज पुअर कॉमेडी। अभी दादा कुंडके, उन्होंने कॉमेडी में सहभाग लिया, उन्होंने जितनी सारी मराठी फिल्में बनाई, एक दो हिंदी फिल्में भी बनाई, लेकिन मराठी फिल्में दादा कुंडके साहब ने जो बनाई, उसमें से पहली उनकी जो फिल्म थी वो बड़ी अच्छी थी। उसके बाद की फिल्में उन्होंने बिल्कुल, जिनको सिर्फ 3 घंटे देखना है, हंसना है, उनके दिमाग को वो जचेगी, ऐसी फिल्में दादा कोंडके साहब ने बनाई। बट दादा कोंडके नेवर क्लेम कि मैं आर्टिस्टिक सिनेमा बनाता हूं। ही सेड आई मेक मनी। मैंने पावर्टी देखी है, मेरी पहली फिल्मों से ये अभी मैं जो बना रहा हूं वो मैं स्टेशन पे लाल डगला वाला जो हमाल है ना, वो दिन भर काम करके आता है, उसको रात को सोने से पहले उसको हंसना है, उसको हंसाने के लिए मैं करता हूँ। अपने एसी कमरे में बैठ के, दफ्तर में बैठ के जो बातें करते हैं कि दादा फिल्मों, दादा कोंडके की फिल्में क्या फिल्में हैं क्या, उनके लिए मेरी फिल्में है ही नहीं। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू हैव द नेम इन गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड की जिसकी 25 फिल्में लगातार सिल्वर जुबिली हो गई है। बट ही नेवर क्लेम, उनका बड़प्पन इसमें है कि ही नेवर क्लेम दैट आई डू द फिल्म्स और आई डू वर्क द वे आई डू इज फैंटास्टिक। ही सेड नो, आई एम मेकिंग कमर्शियल फिल्में बना दो, कम से कम सच तो बोल रहे थे। कॉमेडी में जो भी कुछ चला पिछले 20-25 साल में, तो वो कोई बहुत अच्छी कॉमेडी, इंटेलिजेंट कॉमेडी नहीं थी वो। खैर ठीक है, उसके बाद दौर आया कि फॉर द फर्स्ट टाइम हमारा मराठी सिनेमा ऑस्कर के लिए भेजा गया, श्वास। तब से पूरा, मैं तो श्वास को ट्रेंड सेटर कहता हूं। उसके बाद लोगों ने अलग अलग जो विषय है उसको स्पर्श करना शुरू किया। मैं उसका हिस्सा हूं, उन फिल्मों का मैं हिस्सा हूं, अभिमान से कहता हूं। उससे पहले भी मैं फिल्में करता था, बट आई नेवर लाइक दोज फिल्म्स जस्ट बिकॉज दे वर पेइंग मी, ये नाटक अच्छा है, जस्ट बिकॉज दे आर पेइंग मी, ये सिनेमा अच्छा है, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। मैंने पैसा लेने के लिए, मुझे राशन लाना है भाई, मुझे पैसा मिल रहा है, ओके मैं कर रहा हूं। बट इफ समवन आस्क मी कि आपको पैसा मिलता है तो क्या अच्छी नहीं है क्या, तो भाई नहीं, अच्छी नहीं है। झूठ मत बोलो, अपने आप से कम झूठ मत बोलो। इस तरह से मैं काम करता आया हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जो मराठी फिल्में हैं, दे आर वर्थ वॉचिंग, दे आर वर्थ वॉचिंग। नए नए टॉपिक्स, आज का जो लेखक है, डायरेक्टर है, राइटर है, एडिटर है, आज के कलाकार है, ये सारे कुछ नए की खोज में है। एंड आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट द यंग जनरेशन ऑफ एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, एडिटर्स के ये लोग अपना छप्पा छोड़ेंगे। अच्छी फिल्में जो बनती जा रही है उस पे इनका हक है पूरा कि ये फिल्में अच्छी है, जिसका मैं भले 4 दिन का काम हो या पूरा 18 दिन का काम हो, इफ आई एम द पार्ट एंड पार्सल, मुझे 2 रुपया कम मिलेगा तो चलेगा, लेकिन मैं अच्छी फिल्म का एक सहभागी हूं, आई एम द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इसमें मुझे गुरूर लगता है। आजकल की जो पीढ़ी है ना, वो बहुत सियानी हो गई है,
वो क्या करते हैं, थिएटर भी करते हैं, छोड़ते नहीं, थिएटर से जो प्यार है, लगन है, उसको छोड़ते नहीं है. साथ साथ वो दे आर गिविंग द ऑडिशंस, दे आर मीटिंग द प्रोड्यूसर्स इन हिंदी, मराठी फिल्म प्रोड्यूसर्स उनको मिलते रहते हैं कहीं ना कहीं हिंदी फिल्मों में, भले रोल छोटा हो, लेकिन दे ट्राई टू गेट एंट्री इन टू बॉलीवुड, दे ट्राई टू गेट एंट्री इन टू मॉलीवुड, टॉलीवुड, साउथ में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, कोई पंजाब में जाता है, फिल्मों में भी काम करता है, कोई गुजरात में जाता है. आजकल की पीढ़ी, हमारे वक्त की जो पीढ़ी है, मेरे जो हम उम्र है, उन लोगों में बड़ी एक अजीब सी फीलिंग थी कि हम नहीं किसी के पास जाएंगे. अरे ऐसा नहीं मिलता है काम, हम घर में खटिया पे बैठे रहे और बोलेंगे कि जिनको जरूरत है वो हमारे पास आएंगे. अरे यू आर नॉट देयर. होराइजन तक भी देखेगा प्रोड्यूसर तो उनको नहीं मालूम है कौन विक्रम गोखले. तो विक्रम गोखले को कहीं ना कहीं से ये ट्राई करना बहुत जरूरी है कि भाई ऐसे प्रोड्यूसरों को खुद के जेब से टिकट खरीद के उनको बुलाओ. एक बार नहीं आया टिकट फाड़ दो, 50 बार नहीं आया टिकट फाड़ दो. कभी ना कभी वो आएगा और देखेगा, कहीं ना कहीं एंट्री मिलनी चाहिए. एक दफे एंट्री मिल गई ना हिंदी फिल्मों में या मराठी फिल्मों में, आपका नंबर लग गया. तो करते आजकल की पीढ़ी करती है, नौजवान जो एक्टर्स डायरेक्टर्स है वो करते हैं. एक 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 सवाल सर मैं आपकी जर्नी से ये जरूर पूछना चाहूंगा, मुझे मैं जानना भी चाहूंगा, क्योंकि बचपन बहुत पॉवर्टी में बीता, आपने कॉर्पोरेट जॉब की छोड़ दिया, फिर आपने 5 साल मिस्टर बाल कोल्हटकर साथ आपने काम किया और फिर वहां से भी आपने छोड़ दिया, मराठी फिल्मों में काम किया छोड़ दिया. एक जैसा काम हो रहा था, पैसे तो चलिए आने लगे थे आपके पास, लेकिन शायद काम एक जैसा हो रहा था, तो वो क्या सैचुरेशन पॉइंट था या फिर वो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन नहीं था जिसके वजह से आप चीजों को छोड़ते जा रहे थे, या किसी चीज की तलाश थी? हाँ, सेटिस्फेक्शन की खामियां है, जरूर है, लेकिन जब मैं एक्टर हूं तब मुझे कोई ये अधिकार नहीं है कि ये सीन बदलो, वो डायलॉग बदलो या ये कंसेप्ट बदलो. आई डोंट हैव एनी राइट एंड आई डोंट लाइक टू टेक द राइट. लेकिन क्या करे क्या, वो बोलेंगे जाओ फिर घर पे जाओ, घर में बैठो, वो तो नहीं करना है, पागल हो जाऊंगा, लोग पागल हो जाएंगे घर में बैठ के. मेरे पास कम से कम सिखाने का एक है, मैं प्रोफेसर हूं, मैं टीचर हूं, मेरे क्लासेस है, कम से कम ये तो है. एवरीवन कैन नॉट बिकम अ गुड टीचर, एवरीवन कैन नॉट, इट्स अ नैक टू मेक फ्रेंड्स विथ योर स्टूडेंट्स ऑलवेज. डोंट मेक अ शो के आई एम सिंपली ग्रेट, ग्रेटर देन यू, आप सब नीचे बैठे हैं, मैं ऊपर के सिंहासन पे बैठा हूं, ये कभी नहीं होगा, ये काम में नहीं आता है. माई ऑल स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये मैं मेरे ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स है, मेलबर्न में, फिर सिडनी में, फिर यहाँ फिलाडेल्फिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, पूना में, नासिक में, थाना में, बम्बई में, बहुत सारे लोग हैं ऐसे के जो एज अ प्रोफेसर टीचर करके मुझे जानते हैं कि भाई विक्रम जी के साथ काम करना है, तो उस 2-4 दिन, 1 हफ्ता 15 दिन जो भी कुछ सहवास मिलता है उसमें ये आदमी से बहुत कुछ मिलता है हमें. तो ये काफी है मेरे लिए. कोई जरूरत नहीं हर वक्त मुझे कोई ट्रॉफी दे दे, कोई जरूरत नहीं. ये मानते हैं यही अच्छा है. अब मानते क्यों है, तो मैं जो ये पढ़ता हूं सारा, तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए ना. जो मुझे मिला है वो मुझे देना है अगली पीढ़ी को, मैं देता रहता हूँ. उसके लिए लोग मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं, वो होता है. एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. आई एम इंडेटेड टू ऑल दीज पीपल हु थिंक दैट दे आर माई स्टूडेंट्स. रंग पंडरी नाम का यूट्यूब पे एक चैनल है, उस पे मेरी 2 घंटों की मुलाकात है. वो मुलाकात सुनने के बाद मेरी अपनी जो गुरु है डॉक्टर विजया मेहता, जो पूरी दुनिया में 9-10 देशों में परिचित है,
तो उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि विक्रम, मैंने आई नेवर नेवर थॉट नेवर इमेजिन दैट यू कैन टॉक एक्यूरेटली फॉर वन आवर. यू कैन टॉक अबाउट थिएटर, अबाउट ट्रेनिंग. दिस इज नॉट ओनली ये चेहरा ऐसा घुमाओ, ऐसा हंसो, वैसा रो पड़ो. कंप्लीट फुल बॉडी physical exercises and mental exercises and exercises of eyes, teeth, tongue, phephde, sabhi, everything. An actor has to be complete actor. Ye main sikhata hu. Main tumhe ek misal ke taur pe baat batata hu. Main jab ek English film mein dekhta hu ki ek yuvati ghode pe sawar hoke ja rahi hai. Is there any possibility of Indian actress riding a horse? नहीं मालूम, नहीं मालूम. कोई सीखते नहीं है, नहीं सीखते हैं. हमारी बॉलीवुड की जो मारामारी है वो तो मारामारी वो बताते हैं कि भाई ये शॉट इतना होगा, ये शॉट इतना होगा, वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन वो जब एक्चुअली प्रैक्टिस के लिए तुम सेट पे काम करते हो तब तुमको कितनी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है ये फाइट मास्टर बताता है. और उसके लिए कुछ सारा ये अलर्ट होना चाहिए. मैं क्योकुशिंकाई नाम का जो फेटल कराटे है, फेटल, उसमें कोई दया माया नहीं. या तो जीतो या तो मरो, ओनली टू थिंग्स. उसका मैं स्टूडेंट हूं. मेरा जो गुरु है कराटे का वो इंग्लैंड में है, जिसने ममी नाम की जो फिल्में आई दो, उसका वो फाइट स्टंट मास्टर है. उसने मुझे सिखाया है, पूरे एक साल भर ट्रेनिंग दिया है बंबई में. सो आई एम अ क्योकुशिंकाई कराटे प्लेयर. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मैं वन डैन हूं, टू डैन हूं, नहीं, कोई बेल्ट लगाता हूं नहीं. बट आई नो हाउ टू टीच दिस टेक्निक टू माई स्टूडेंट्स, स्पेशली वुमेन, औरतें, गर्ल्स एक्टर्स. उनको मालूम होना चाहिए अगर कहीं ऐसा आया मौका कि भाई तुम्हें फाइट करनी है तो शी मस्ट नो, ही मस्ट नो. ये सारा मैं सिखाता हूं. तो मेरी गुरु ने मुझे बताया कि ये यू आर आई नेवर न्यू दैट यू कैन टॉक अबाउट दिस एरिया ऑफ आर्ट सो मच नॉन स्टॉप फॉर 2 hours. गुड. सो गुरु ने शाबाश की दे दी और मेरे लिए ट्रॉफी है. ये 1973 का वो समय था जब आप आपकी जो मुलाकात है विजय मेहता जी से हुई, और उनका उनकी बहुत अहम भूमिका रही है आपके जीवन में. यस यस. तो इसी विजय मेहता नेवर टॉट मी इधर और एनी वन हु came across with Vijaya Mehta's training. किसी को उसने यहां बैठो मैं बोलती हूं ऐसा करो ऐसा सिखाया है. वो प्रोफेसर बन के कभी नहीं बैठी चेयर पे, डायरेक्टर पे. She was so, I understood what is to be a very good director, how to be a good friend of students, how to make students to know you as the director. और सारी टेक्निक्स जो है उन्होंने जो जो लोगों को बताते बताते मैं सीखता गया. एंड मेरी सारी किताबें और कुछ अच्छी फिल्में, अच्छी फिल्में, अंग्रेजी, हिंदी, अच्छी फिल्में जो मैं देखता हूँ. अरे ये कोरोना के ये अभी देख दो, 3-4 महीने हो गए, मैं और बीवी नेटफ्लिक्स पे जाओ, अमेजन पे जाओ, सोनी लिव पे जाओ, हम अच्छी फिल्में कौन सी ढूंढ ढूंढ के देखते हैं. मैं अमिताभ जी की फिल्में आजकल की जो है मैं देखता हूं. मैं रॉबर्ट डी नीरो, अल पचिनो, रिचर्ड ड्रेफस, जॉन कैसावेटी, ये सारे ऐसे अच्छे अच्छे लोगों की फिल्में मैं देखता रहता हूँ स्टडी के लिए. मैं ओम पुरी की फिल्में देखता हूँ, मैं नसीर की फिल्में देखता हूँ, मैं पंकज की कल ही देखी मैंने, पंकज कपूर, व्हाट अ फैंटास्टिक एक्टर. अन्नू कपूर, व्हाट अ फैंटास्टिक एक्टर. लेकिन कैसा है देखो कि अच्छे एक्टरों को बहुत देर तक रुकना पड़ता है, बहुत देर तक.
JL50 नाम की मैंने कल फिल्म देखी, JL50, जिसमें पंकज कपूर है और अच्छे अच्छे लोग हैं। क्या फिल्म थी, फैंटास्टिक फिल्म। आई हैव नॉट ओनली एंजॉयड, आई लर्न सो मेनी थिंग्स। इट्स माय प्लेजर टू वॉच गुड एक्टर्स एट वर्क। बड़ा अच्छा लगता है कि इनके साथ मैं काम कर चुका हूँ। नाना पाटेकर, मैं वो नट सम्राट नाम की हमने एक फिल्म की थी, नट सम्राट। फिर वैसे तो फिल्में तो अभी याद नहीं है इतनी की में। विकिपीडिया में जो भी कुछ आता है उसमें बहुत गलतियां हैं। मोहन गोखले एक्टर, उसको मेरा भाई बताते हैं। नहीं, हम दोनों एक ही शहर के एक दूसरे के दोस्त रहे। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट ब्रदर्स। हम सिर्फ वो मोहन गोखले, मैं विक्रम गोखले, दोनों की आंखों की कलर एक है, मेरी थोड़ी सी ज्यादा हरी है, उसकी ब्राउन थी, दैट्स ऑल, वी आर नॉट ब्रदर्स। लेकिन दुनिया भर यही मालूम होता है कि विक्रम गोखले एल्डर ब्रदर, मोहन गोखले छोटा भाई। नहीं है भाई ऐसा। एक दफे मोहन ने मेरे को बताया कि विक्रम एक काम करते हैं, तुम अपने बाबा को ले आओ, मैं मेरे बाबा को ले आता हूँ, टेलीविजन पे मुलाकात दे दे के रिश्तों का मतलब कोई ऐसा रिश्ता है कि ये दोस्त है दोनों, ये खून का कोई रिश्ता नहीं है, तो लोगों को हम बताएं। लेकिन आज कुछ कुछ भी लिखते हैं लोग विकिपीडिया। अरे कल मैंने अनब्रोकन नाम की एक फिल्म देखी, व्हाट अ लवली फिल्म दैट अंजोलिया जोली, या जोली, क्या बेहतरीन डायरेक्टर है वो। वो काम तो अच्छा करती है लेकिन डायरेक्टर भी अच्छी है। कल रात को मैंने अनब्रोकन देखी, बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। होता क्या है कि एक्टर करके एक आदमी या एक औरत नाम कमाती है, कमाता है, डायरेक्टर करके जब आते हैं लोग तो उनके कोई विम्स अलग अलग होते हैं। बट व्हेन आई सॉ एंजेलिना जोली, मैंने कहा ये तो उस पार की है, इट इज अमेरिकन एंड जापानीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वो कहानी है। क्या बेहतरीन फिल्म है अनब्रोकन, फुर्सत मिले तो जरूर देखना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये भी एक अभ्यास है ना, घर में बैठे बैठे तुम अच्छी फिल्में देखो, मरने से पहले अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे एक्टरों को, डायरेक्टरों को, उनकी फिल्में देखो, उनका अभिनय देखो, उनका राइटिंग सुनो, पढ़ो। काम है, काम नहीं है ऐसा नहीं है। आपने एक्टर्स को ट्रेन करने का भी काम किया है एज अ कोच, एज अ टीचर, और हर एक्टिंग कोच की अपनी एक बिलीफ होता है, अपना एक सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग होती है जिसके तहत वो काम कर रहा होता है। आपके पास जब एक फ्रेश बिल्कुल रॉ कोई स्टूडेंट आता है तो व्हाट आर द एरियाज जिनको आप उस एक्टर में पहले आप देखते हो, जज करते हो कि इसमें क्या, इस पर काम किया जाना है, तो आपकी क्या टेक्निक है एक्टर्स के साथ काम करने की, प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। यू आर फैंटास्टिक क्वेश्चन है ये। मैं पहले सारे जो विद्यार्थी है ना उनको ये बताना हूँ कि मैं तुम्हें आने वाले 3-4 महीनों में जो सिखाने वाला हूँ उसको लेके और मेरी ऑटोग्राफ देके, साइन देके, जो सर्टिफिकेट तुम्हें मिलने वाला है कोर्स के द एंड ऑफ द डे, वो लेके तुम बंबई के बॉलीवुड में जाओगे तो तुम्हें कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। एंड आई विल नॉट सजेस्ट योर नेम। यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल। How to fight and win this battle on your own is, I am going to teach you. मैं उनसे कहता हूं कि कभी भी don't become the salesman of acting. हाँ, कैसे है मतलब action बोलने के बाद, अभी हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, action बोलने के बाद immediately मेरा चेहरा या कोई मेरी जो अभी चल रही है वो उसके इस आवाज के बदले, हाँ बोलो बोलो, अरे ऐसा कुछ मत करो, तुम रोज कई तुम्हारी जो आवाज है वो रोज की आंखें यूज करते हो, रोज जैसे हंसते हो ऐसा ही करो, अदरवाइज प्लीज आपको दरवाजा खुला है, प्लीज गो आउट ऑफ माय क्लास। नो एक्टिंग सेल्समैनशिप नहीं चाहिए मुझे। पहला मेरा सबक होता है कि नो एक्टिंग, डोंट एक्ट टू एक्ट, यू एक्ट टू बिलीव, विश्वास करो उस पे कि मुझे इस वक्त ये काम करना है जो मैं निजी जिंदगी में कभी ना कभी मैंने किया होगा, तो उसको याद करो।
थोड़ी सी स्टैनिस्लावस्की की ये स्टाइल है, स्टाइल नहीं टीचिंग है। इसको हम बोलते बैंक, मेमोरी बैंक। तो मैं रोया, मेरी माँ चल बसी तो मैं रोया, मैं कैसे रोया? तो मैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं रोया, उस वक्त मैं जो रो रहा था वो कैसे रो रहा था उतना ही करो। थोड़ा सा इधर थोड़ा ज्यादा हो गया तो ओवर एक्टिंग है, थोड़ा कम हो गया तो अंडर एक्टिंग है। मैंने पहले एक बताता हूं कि किसी ने एक्टिंग नहीं करनी है, मेहरबानी करो एक्टिंग मत करके दिखाओ, बिक्री मत करो एक्टिंग की। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो निजी जिंदगी में रोज की जो आवाज है वो एकदम भूल जाते हैं, दूसरी आवाज शुरू करते हैं। रोज का जो चेहरा है, किसी ने पूछा सवाल तो जो जवाब देने के लिए जो चेहरा हिलता है उसके बजाय वो और ही कुछ ज्यादा टेक्निक यूज करते हैं। आई नेवर लाइक सच पीपल, दे आर नॉन एक्टर्स। मेरे लिए दुनिया में एक्टर्स और नॉन एक्टर्स दो ही जाति के लोग हैं, एक्टर्स या नॉन एक्टर्स। जिनको ये बात समझ में आती है वो एक्टर्स है और वो करते, दे एग्जीक्यूट दैट, इनकॉर्पोरेट दैट थिंग। जिनको मालूम ही नहीं है कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, ये मालूम नहीं है जिनको, दे आर नॉन एक्टर्स। जस्ट बिफोर द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले, सर आपने जो बात कही ना कि अभी बोला करना है और फेस ऐसा बनाया, ये किया, एक आवाज के साथ कुछ कर लिया, एक ही वाली चीज है। परफॉर्मेंस के जस्ट पहले सर, ये एक तो एक कॉन्शियस होता है कि मुझे कुछ करना है, करना है, आई वांट टू डू, और उसमें वो डू बहुत ज्यादा डूइंग होने लगती है। तो क्या तैयारी होती है सर जस्ट बिफोर द परफॉर्मेंस टू मेक योर सेल्फ अवेयर दैट यू डोंट हैव टू डू? I instruct my all actors, student actors, that अभी आपको जाना है थिएटर में, रंगमंच पे आपको एंट्री करनी है, अंधेरा हो रहा है, दो बेल्स हो चुके हैं, तीसरी बेल को 5 मिनट बाकी है, किसी से भी बात मत करो, अपने आप से बात करो, आंखें बंद करो, दीवार की तरफ चेहरा लगा के, फेस वहां रख के तुम सोचो सिर्फ मुझे किस किन किन चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करना है। पहली चीज ये है कि मुझे अपनी आवाज उसमें ही बोलना है, मेरे को एक्टिंग बेचना नहीं है, ये बेसिक है, बेसिक है। और मैंने जो याद किए हैं डायलॉग्स मगअप किए हैं उसको इस ढंग से बोलो कि जिंदगी में पहली बार तुम बोल रहे हो ऐसा दिखाओ, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। ये नहीं है कि पिछले 50 शोज तुम वही कर रहे हो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ एट एवरी परफॉर्मेंस, फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ यू आर स्पीकिंग दैट डायलॉग। इस तरह की स्पॉन्टेनिटी तुम्हें कमानी है, उसके टेक्निक्स है, उसके टेक्निक्स है। सेम प्ले, सेम डायलॉग, सेम सीन, लेकिन दिखाना यह है कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस, फर्स्ट टाइम आई एम लुकिंग एट सौरभ। ये जो है वो मैं सिखाता हूं। टू जतन करना होता है ना स्पॉन्टेनिटी, टेक्निक्स ऑफ स्पॉन्टेनिटी, उसके लिए मैंने उनको एक और कभी कभी देता हूं मैं, इम्प्रोवाइजेशन नाम की एक चीज होती है। बच्चे जब खेलते हैं आंगन में, वही बच्चे हमारे घर के, बाजू वाले के घर के, सामने वाले के घर के, सेम बच्चे बच्चियां रोज शाम को खेलती है, सेम बॉल, सेम बैट, सेम गाड़ी, सेम साइकिल, सब कुछ सेम है। डायलॉग रोज सेम नहीं होते हैं बच्चों के। एवरीडे कभी ये ड्राइवर बन जाता है, कभी वो कंडक्टर बन जाता है, कभी ये पेशेंट है, कभी वो डॉक्टर है। वो खेलते वक्त जो आवाज निकालते हैं, वो चेहरा बनाते हैं, उनको एहसास नहीं होता है कि सौरव और विक्रम गोखले या आशुतोष आर वॉचिंग देम प्लेइंग। ऐसा ही एक्टरों को होना चाहिए कि हमें 1,000 लोग देख रहे हैं, 2,000 आंखें देख रही है, 2,000 कान सुन रहे हैं, तो हमको पहली बार हम सब कुछ ये अभी बोल रहे हैं, कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, पहली बार जिंदगी में कर रहे हैं, इसको दिखाना है। इसके लिए बच्चों की स्टडी करो,
एनिमल्स की स्टडी करो वगैरह वगैरह. वर्ल्ड ऑफ एनिमल दैट टीचेस यू सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थिंग्स. ट्रेनिंग ट्रेनिंग इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्टिंग. लोगों को लगता है कि यू हैव अ गुड फेस, यू हैव अ गुड वॉइस, सो यू कैन एक्ट. सो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन. बात को तो सर मैं मानता हूँ, काफी समय से आप सर ट्रेन कर रहे हैं. बेसिक प्रॉब्लम आप क्या देखते हैं एक नए एक्टर में? बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एक्टिंग यंग एक्टर्स, नए एक्टर्स में आप क्या देखते हैं या क्या फील करते हैं जिसपे कि उनको सबसे पहले वर्क करना चाहिए? पहले तो ऐसा था कि लोगों को लगता है मेरा चेहरा कितना गंदा है, मैं कैसे एक्टर बन जाऊं. सबको लगता है कि मैं अमिताभ बच्चन बनू, मिथुन चक्रवर्ती बनू, सलमान खान बनू, आमिर खान. नहीं होता है वो, उसके लिए बहुत कष्ट उठाने हैं. कुछ लोगों को अच्छा लगता है, जैसे नाना पाटेकर मुझे हमेशा बोलते हैं कि विक्रम यू आर लकी, यू आर अ गुड लुकर. मैंने कहा नहीं नाना, यू आर लकी, यू हैव नॉट अ फिल्मी फेस. टू हैव गुड फेस, गुड लुक्स, ये शॉप है. जिसको चेहरा नहीं है वो अन्नु कपूर देखो, ओम देखो, पुरी नसीर देखो. वी आर नॉट हैंडसम. जो हैंडसम है ना, उनकी जिम्मेदारियां थोड़ी कम होती है उन दर्शकों के लिए कि जिनको बस चेहरा देख के, कपड़े देख के, साड़ियां देख के वो जो खुश होते हैं नाच गाना. एक्टिंग कैसे देखनी है, कैसे तलाश करनी है, उसके लिए ये एक्टर कहाँ से आया है, ये कौन सा स्कूल. ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं कि जो दिखने में बड़े मतलब खराब ही है, खराब एक्टर है दिखने में, लेकिन एक्टर्स जायंट, जायंट एक्टर्स हैं. वो क्यों जायंट है वो देखना चाहिए. ओम पुरी एक्टर वो इंटरनेशनली फेमस है. थोड़ा सा हमारा नासिर भी है इंटरनेशनली नोन, और कुछ लोग चुने गिने हैं. दे आर नॉट गुड लुकर्स बट दे आर इंटेलिजेंट एक्टर्स. इंटेलिजेंट आई हैव वर्क विथ ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट आमिर. बॉलीवुड के जितने सारे लोग हैं, अमिताभ जी से लेके अभी अभी आया हुआ कोई भी है, सबके साथ मैं दारा सिंह साहब से साथ भी काम कर चुका हूं. कोई कोई नहीं, जिने दमान हो या ये हो वो, कोई मतलब एक नाम ऐसा नहीं है. शबाना के साथ और स्मिता के साथ नहीं काम किए, बट दे आर माई फैंस. स्मिता एंड शबाना, बोथ ऑफ देम दे आर माई फैंस. आई एम देयर फैन. कहने का मतलब क्या है कि लुक्स पे नहीं रहा है आजकल की दुनिया, लुक्स पे नहीं जाती है. टैलेंट्स क्या है दिखाओ, तुम्हारी टेक्निक्स ऑफ एक्टिंग क्या है दिखाओ, प्रूव करो कि यू आर अ कन्विंसिंग मैन. मैं आपको एक बात बता दूं, अमिताभ बच्चन इज नॉट अ गुड लुकर, ही इज टॉल, हिज वॉइस इज वेरी गुड, ही नोज हाउ टू यूज हिज वॉइस प्रॉपरली, ही नोज हाउ टू सिलेक्ट कैरेक्टर्स प्रॉपरली, he knows how to carry himself properly. He's not a good looker. लेकिन बाकी एसेट जो है उसको अमिताभ जी ने इस तरह से encash किया है. He's a very intelligent man, intelligent actor, well-read man, well-read person, and very good person, very nice person. लेकिन उनके मुकाबले बाकी जो अच्छे दिखने वाले, अच्छे कपड़े पहनने वाले और मार्लबोरो के पैकेट लेके घूमने वाले या मर्सिडीज में घूमने वाले जितने सारे नए पीढ़ी के लोग हैं, उन्होंने ये लोगों की फिल्में देखनी चाहिए. मैं देखता हूँ, मैं पिछले कई सालों से, दशकों से मैं देखता हूँ कि दुनिया का कौन सा एक्टर कहाँ बैठा है. नाम भूल गया मैं उसका. टेलीफोन नाम की एक फिल्म थी, टेलीफोन. उसका कैप्शन था एवरीवन हैज इट बट अ वेरी फ्यू पीपल नो हाउ टू यूज इट.
आई फॉरगॉट हर नेम, फैंटास्टिक एकेडमी अवार्ड को उसकी एक बार उसको एकेडमी मिला है शायद मेरे ख्याल से, या तो कम से कम 10 बार उसको नॉमिनेट किया गया है। ओके तो वो टेलीफोन नाम की मैंने फिल्म देखी सौरभ, आई कुड नॉट स्लीप फॉर नेक्स्ट 8 डेज। इतनी जबरदस्त एक्टर है वो। कैन यू डिड आई लूज यू? नो सर, यू आर ऑडिबल सर। ओके, ऑडिबल एंड विजिबल? यस यस। ओके, तो इस तरह के जो एक्टर्स हैं, एक ही औरत, वो ब्लैक एक्टर और इन हर 40s और मिड 40s, अगली लुकिंग, नॉन सेक्सी, वो अकेली 90 मिनट अकेली स्क्रीन पे है, अकेली टेलीफोन पे बातें करती रहती है, आपको इतना हंसाती है, बीच में आपको रुलाती भी है, और एट द एंड यू आर नम्ब, क्योंकि वो टेलीफोन पिछले 6 महीने से कट गया है। शी इज एन एक्टर एंड तो काम नहीं है। हूपी गोल्डबर्ग, यस, थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग मी। तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तुम दिखने में कैसे हो के बदले तुम्हारे पास नॉलेज क्या है, वो बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। और नॉलेज के लिए आपको पढ़ाई तो होगी। यू सी द वन मोमेंट ऑफ पेन इन योर लाइफ इज जिसको बोलते हैं ना कि पूरे जिंदगी भर के लिए वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो आनंद कि मैंने, यू सी, नो गेन विदाउट पेन। तो पेन के मोमेंट है, फाइट के मोमेंट्स है, मतलब स्ट्रगल के, उसको याद हमेशा रखा करो और आगे चलते रहो। और अभ्यास बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ये सारे मेरे जो दोस्त नहीं है, जो उम्मीदवार एक्टर्स एक्ट्रेसेस है दुनिया भर के, जो मेरी बात सुन रहे हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस पे काम करें और अच्छी तरह से काम करें, उनको जश जो है मिले, दे शुड बी सक्सेसफुल एंड डोंट रिपेंट। जो तुमने किया है वो तुमने सोच समझ के किया है, ऐसा ही तुम्हें हमेशा लगना चाहिए। मैं कहां गलती करके बैठा हूं, इधर आया हूं, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, ये मेरा कहना है, मेरा मानना है। सर अब हम साक्षात्कार के अंतिम चरण में हैं। सर संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के उच्च अधिकारियों के प्रोत्साहन में श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी की इस पहल रंग समागम 2020 के बाबत आपके विचार। ये दोनों को मेरा प्रणाम बताओ सौरभ, दोनों को मेरा प्रणाम। गुड गुड गुड, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, गुड, कीप इट अप, थैंक यू सो मच। ओके बाय, जय भारत।